फिर हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है एंड जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 10x इज इक्वल टू रूट 3। तो 10x की वैल्यू रूट 3 किस एंगल पे होती है? तो देखिए 60 डिग्री की वैल्यू हमें मिलती है रूट 3। तो यहाँ पे 60 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट 3 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 10π/3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू nπ + π/3। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन या जनरल रूट। और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमें मिल रहा है रूट 3। तो अगर हम इन दोनों का डायरेक्टली कंपेयर कर दें तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/3, और ये इसका है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इन जनरल इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें मिल जाएगा nπ + π/3। n की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो हमें इसके डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। सेकेंड पे देखिए हमें मिल रहा है sec x इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको cos x पे चेंज करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं cos π/3 और cos x। तो अगर हम दोनों साइड्स का कंपेयर करें तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/3 और x इज इक्वल टू π/3 है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म यूज़ करेंगे और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2nπ + -π/3। n की वैल्यूज हम पुट करेंगे डिफरेंट, तो यहाँ से हमें x के डिफरेंट एंगल्स मिलते जाएंगे। थर्ड पे देखिए हमें गिवन है cot x इज इक्वल टू -√3। तो cot x की वैल्यू माइनस पे गिवन है, तो अगर हम इसको 10 में चेंज कर दें 10x, तो ये हमें मिल जाएगा -1/√3, क्योंकि 10x एंड cot x क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से 10x हमें मिल जाएगा -1/√3। अब तो ये 10x की वैल्यू हमें मिल रही है -1/√3, 10 की वैल्यू -1/√3 हमें मिलती है 5π/6, दैट इज 150 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 5π/6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 5π/6। और इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का फॉर्म यूज़ करेंगे और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू nπ + 5π/6। यहाँ से हम जब डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमें इसके एंगल्स डिफरेंट मिलते जाएंगे। उसके बाद हमें गिवन है cosec x इज इक्वल टू -2। हम क्या करते हैं, इसको साइन पे चेंज कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा sin x इज इक्वल टू -1/2। अब sin x की वैल्यू -1/2 किस एंगल पे होती है, तो या हम चाहें तो 1/2 हम लेते हैं और माइनस साइन को अलग ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं sin -π/6, क्योंकि π/6 एंगल पे sin x की वैल्यू 1/2 होती है और यहाँ पे माइनस गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू sin -π/6। जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -π/6 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। या हम क्या करते हैं, इस माइनस को अलग ना करके हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 7π/6। उस पर हमें क्या मिलती है, -1/2। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7π/6। ये दोनों वैल्यूज राइट है। अब इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालें तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू nπ + -1 की पावर n इंटू 7π/6। ये है क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन
फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है cos 4x is equal to cos 2x. यहाँ पे हम cos x is equal to cos अल्फा का फॉर्म यूज करेंगे. तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जब हमने फॉर्म देखा था तो उसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिलता था थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. यहाँ पे थीटा की प्लेस पे है 4x एंड अल्फा की प्लेस पे है 2x. तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x. हम क्या करते हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे. तो जब हम प्लस साइन को कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई या x इज इक्वल टू n पाई. सेकेंड पे अगर हम यहाँ से माइनस साइन को कंसीडर करेंगे तब हमें मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x. 2x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 6x इज इक्वल टू 2n पाई. या फिर जब हम इसको x करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n पाई बाई 3. यहाँ पे जब हम n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे तो हमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, एंगल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी. फिर उसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ में हमें दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे तीन फॉर्म्स दिए हैं. हम क्या करते हैं, पहले दोनों फॉर्म को लेके सॉल्व करते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे cos c प्लस cos t का फॉर्म. cos c प्लस cos t क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2 और ये वाला माइनस cos x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x बाई 2 2x और यहाँ से हमें मिल जाएगा cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम cos 2x कॉमन ले सकते हैं. तो अगर हम cos 2x कॉमन लेंगे यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 cos x माइनस 1. अब जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें दो फॉर्म्स मिल रहे हैं. एक बार हम ले सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 0. सेकेंड में हम लोग ले सकते हैं 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो जब हम लेंगे cos 2x इज इक्वल टू 0 तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0 का फॉर्म. तो उस कंडीशन पे इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. अब यहाँ से जब हम इस 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4. ये है इसका जनरल सॉल्यूशन. अब जब हम ये वाला फॉर्म लेंगे 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1. इस 1 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया. सेकेंड पे हम क्या करेंगे, इस 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2. 1/2 एंगल हमें मिलता है cos 60 डिग्री पे. तो ये हम लिख देते हैं cos pi by 3. अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. अब जब हम एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस साइन और n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिलते जाएंगे. उसके अगला क्वेश्चन देखिए सेवेंथ. हमें गिवन है साइन 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0. साइन 2x को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 sin x cos x और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा cos x इज इक्वल टू 0. हम अगर cos x को कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम एक बार ले सकते हैं cos x इज इक्वल टू 0 और एक बार ले सकते हैं 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर हम देखते हैं cos x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हम cos x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन यूज़ करेंगे और इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. सेकेंड पे हम ये मिल रहा है 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तब ये हमें मिल जाएगा, पहले हम इसको लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2. साइन की वैल्यू माइनस पे हमें मिलती है
सेवन पाई बाई सिक्स पे, तो यहाँ पे हम जब यूज़ करेंगे तब हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू सेवन पाई बाई सिक्स, ये हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एट्थ क्वेश्चन हमें गिवन है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू वन माइनस टेन 2x। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अगर हम इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तब हमें मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। वही फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इस 1 को ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टेन 2x। अब sec स्क्वायर 2x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है 2x है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस टेन 2x। यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर 2x एंड टेन 2x, एक 10 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा टेन 2x इज इक्वल टू माइनस वन। अब 10 की वैल्यू माइनस वन होती है 135 डिग्री पे, 135 को हम लोग लिखते हैं टेन 2x इज इक्वल टू थ्री टेन थ्री पाई बाई फोर। अब जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4। जब हम 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8। तो ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन हमें गिवन है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम साइन एक्स और साइन फाइव एक्स को लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम एक बड़ा और एक छोटा एंगल लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा टू साइन, यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म यूज़ करेंगे, ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस फाइव एक्स बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू प्लस साइन फाइव एक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा टू साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम साइन थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन थ्री एक्स कॉमन, और यहाँ से मिल जाएगा टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे भी हम एक बार ले सकते हैं साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाई, या फिर एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई टू। सेकेंड पे हम लोग ले सकते हैं टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब कॉस की वैल्यू माइनस वन बाई टू किस एंगल पे होती है, तो यहाँ से हम इस वाई माइनस वन बाई टू को लिख सकते हैं, ये यहाँ से हमें मिल रहा है। अगर हम इसको माइनस को अलग लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस माइनस को हमने अलग लिख लिया और वन बाई टू को हम लिख लिया कॉस पाई बाई थ्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है वन बाई थ्री। यहाँ से ये हमें मिल रहा है कॉस 2x। तो अब हमें इस माइनस को बैलेंस करना है, तब हम इसको लिखते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के, और यहाँ से ये हमें मिल रहा है कॉस 2x। जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई थ्री, और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई थ्री। यहाँ से हम 2 कैंसिल कर सकते हैं तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई। तो ये हो गया एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। इसके आगे के क्वेश्चंस और आगे के चैप्टर्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।